अरबों के संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाले में तीन और पकड़े। निदेशक बोले कब मिलेगा हमारा पैसा, तो अफसरों ने दिया ये जवाब। करीब 1,47,000 निवेशकों ने अपना पैसा कंपनी में लगाया था। कंपनी ने अच्छे रिटर्न का दावा किया था, लेकिन बाद में मूल रकम ही वापस नहीं मिल सकी। 1100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले को लेकर फिर से हलचल है। जोधपुर में ATS एवं SOG की टीम ने तीन लोगों को पकड़ा है। तीनों का कंपनी से पुराना नाता है और घोटाले में इन तीनों का नाम आ रहा है। तीनों से आज जयपुर के ATS हेडक्वार्टर में पूछताछ की जाएगी। उधर इस मामले में अब तक 10 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इस बीच निवेशक को उनका पैसा वापस मिलने की उम्मीद जगने लगी है। दरअसल SOG ATS ने जोधपुर के चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई और उनके बेटे को पकड़ा है। तीनों को देर रात जयपुर लाया गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट का संजीव क्रेडिट कॉर्पोरेशन से सीधा जुड़ाव बताया जा रहा है। जोधपुर में रहने वाले एक केंद्रीय मंत्री और उनकी धर्मपत्नी इस कंपनी से जुड़े हुए हैं। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव में करीब 1100 करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसके चलते हजारों निवेशकों की राशि फंस गई। इस मामले का पूरा खुलासा साल 2019 में हुआ था, जिसके बाद हड़कंप मच गया था। करीब 1,47,000 निवेशकों ने अपना पैसा कंपनी में लगाया था। कंपनी ने अच्छे रिटर्न का दावा किया था, लेकिन बाद में मूल रकम ही वापस नहीं मिल सकी।